हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सतवन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनबॉक्स लाइफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लोग आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर। टॉपिक एक सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आप सब लोगों को जरूरत भी पड़ती होगी, आस पड़ोस में आप लोग देखते होंगे। एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग जो है, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाए, कोई बंदा रक्तचाप बंद हो जाए या हाफ बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है, जिसको बहुत से लोग फालिस भी बोलते हैं, या दिमाग में सही से खून नहीं पहुँचता है। लाखों रुपए लगाते हैं लोग, करोड़ों रुपए तक खर्चने को रेडी रहते हैं, लेकिन कहीं भी उनका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है कि कहाँ से परफेक्ट इलाज मिल पाए। तो एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम अमरदीप है, उसके डैडी के साथ यही सेम सिचुएशन हुई थी। मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। बेचारे बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारा अपने फादर को दिखाया, इधर उधर डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर्स ने 1.5-2 लाख रुपये का खर्चा बताया, स्टार्टिंग खर्चा था, और उसमें भी उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम थे। कम का मतलब 5 से 10% के चांसेस थे, जो डॉक्टर्स ने बोला कि पैरालाइजेशन तो है ही, लेकिन इसके आगे का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सीड करे इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन काफी लोग सक्सीड कर गए हैं। उसने और जगह कई जगह पूछा लोगों से, और उसके बाद जो उसको रियलाइज हुआ या जो उसने फील किया उसके बारे में खुद बताएगा भाई अमरदीप। हेलो गाइस, कैसे हो सब गाइस? चंडीगढ़ में बुंगा टब्बी नाम का एक शहर है गाइस, वहां पे सॉरी गांव है, तो वहाँ पे इस चीज़ का पैरालाइज का, दिमाग क्लोटिंग का इलाज होता है, ठीक है। और आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखा होगा कि इनमें जो पैरालाइज का होता है या बॉडी उसका होता है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। मेन तो था जो दिमाग का क्लोटिंग होती है ना, उस चीज़ के मतलब 5 से 5% ही चांसेस रहता है कि आदमी बचेगा। मेरी ये दौरे दोबारा ऑपरेशन होना, ये सब चीज़ें हैं। और गाइस, जिस लोकेशन की हम आज बात कर रहे हैं गाइस, वहाँ पे आपको 100% इलाज मिलेगा गाइस। ये वीडियो झूठ नहीं है, और इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना गाइस। हो सकता है आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स को ये वीडियोस काम आए, ठीक है। शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके गाइस, क्योंकि बहुत काम की वीडियो, आपकी एक वीडियो शेयर करने से किसी की जान बच सकती है, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ हुआ क्या था आपके फादर को गाइस? मेरे डैडी के मेरे साथ ही थे, हम बाइक से आ रहे थे, ठीक है गाइस। तो कोई पल्सर ड्रिंक करके आता, उन्होंने पीछे ठोक दिया था, मेरे डैडी सिर के बल गिर गए थे, तो उनके दिमाग में भी क्लोटिंग। तो गाइस हमें शुरू के 1 मंथ तो पता ही लगा, हल्का हल्का हमें पता लगा, तो हमने उनको चेकअप कराना शुरू करा। तो गाइस उनकी बात कितनी बिगड़ गई गाइस, 1 किलोमीटर कितना असर होता है, हमें जाना था करीबन 200 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना होता है। वहाँ जाके मेरे डैडी पूछते हैं कि हम अपने बुआ के घर आ गए, मतलब गाइस हम 1 किलोमीटर घर से चले हैं, उनकी इतनी हालत खराब थी कि वो मुझसे पूछते हैं कि हम बुआ के घर आ गए। सिर्फ गाइस 1 किलोमीटर कितना, 5 मिनट का रास्ता होता है, तो इतनी उनकी हालत खराब थी। तो हमें चंडीगढ़ में हमने हर जगह भी दिखाया गाइस, हॉस्पिटल का नाम लूँगा, बट हर हॉस्पिटल में लूट मार मचा रही, कोई वो नहीं है, और वहाँ ऐसे पक्का इलाज करते गाइस सिर्फ इंजेक्शन से, कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन है गाइस, ठीक है। आने जाने का आपको थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ 600 रुपये का 2 इंजेक्शन लगते हैं, अगर एक लगेगा तो आपको 250 रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। और वो देते हैं 10 दिन में गाइस। जगह का नाम क्या है? बुंगा टब्बी सर। बुंगा टब्बी, ओके। कहाँ पड़ता है ये? चंडीगढ़ में पड़ता है गाइस। चंडीगढ़ से कितना है? चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले ही है, 10-20 किलोमीटर पहले ही। ओके, तो ये चंडीगढ़ के पास पड़ता है बुंगा टब्बी। हाँ जी, बुंगा टब्बी। बुंगा टब्बी बहुत अच्छी जगह है, बस मैंने वहाँ का रिव्यू देखे हैं, जो लोग हैं वहाँ पर मतलब हजारों की संख्या में जाते हैं, 50-60 गाड़ियाँ तो पर डे की वहाँ जाती जाती है, क्योंकि जहाँ जेन्युइनिटी होती है बंदे वहीं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और लुटा ही नहीं है, सबसे मेन बात यह है। 500, 600, 1000, 2000 रुपये मैटर नहीं करते, पर भाई ने बोला कि 600 रुपये का खर्चा आता है, और सक्सेसफुली आप 100% सेटिस्फेक्शन के साथ वहाँ से आप आते हो, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। अब कैसी कंडीशन है आपके फादर की? गाइस मेरे डैडी आज अपने मतलब स्कूटर वगैरह में अपना घूमते हैं, ठीक है। बकायदा दुकान अकेले स्टैंडिंग शॉप में मेरे अकेले हैं डैडी, काम कर रहे हैं बकायदा बिना, उनका एक हाथ पैर गाइस मतलब कागज खाते थे तो छूट जाता था उनका, बिल्कुल ही मतलब खत्म था सीन। तो उनके माइंड पे वो था ना, क्लोटिंग था उनके माइंड में ना गाइस, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, रक्तचाप नहीं हो रहा था पूरी तरह से, ब्लड तक मतलब ब्लड कह रहा हूँ माइंड तक ब्लड नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में क्लोटिंग हो गई थी, नसें ब्लॉक हो गई थी गाइस, ठीक है। और इस चीज़ के मेरे पास सिटी स्कैन पहले का भी है गाइस, और बाद का भी जब इंजेक्शन लग चुके हैं 7-8, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उनको 7-8 इंजेक्शन लगे थे, मेरे पास पहले का भी वो है सिटी स्कैन, और उसके बाद का भी है जब क्लोटिंग क्लियर हो गई है। और क्या क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा और भी लोग आते हैं गाइस, वहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ का इलाज है गाइस, क्योंकि इस चीज़ से ना लोग ज़्यादा मतलब दिक्कत में आते हैं, ज़्यादा परेशान, क्योंकि मैं खुद परेशानी में रहूँगा गाइस। किसी चीज़ का मतलब ब्लड माइंड का ही है, किसी और चीज़ का भी है? नहीं गाइस, उसमें और किसी चीज़ का नहीं, आप सोचो कि किसी और चीज़ का इलाज है, तो किसी और चीज़ का नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, वीडियो रियली है, ठीक है, शेयर करना गाइस बस।
और ये वीडियो इस चीज की है कि क्लोटिंग है ठीक है और पैरालाइज अटैक आ जाता है, मिर्गी के दौरे हो जाते हैं, मतलब ये चीजें ना वहाँ क्लियर होती है, इंजेक्शन लगते हैं गाइस, सबसे बड़े सिर्फ इंजेक्शन से आपका काम हो रहा है, मिर्गी के दौरे हो गए हाँ, और जैसे दिमाग से ब्लड तक अगर बंदे का रेडी पहुंच रहा है, पैरालाइज हो रहा है एक तरफ का शरीर, हाथ काम कर रहा है, मतलब कई चीज पैरालाइज का अटैक भी आता है जो भी नहीं एक्शन हो, कई बार आपको आपने देखा पैरालाइज का अटैक आ गया है, अगर आप स्टार्टिंग में देखो ना तो आपका एक इंजेक्शन में बंदा खड़ा हो जाएगा, ऑपरेशन कोई सीन नहीं। आपने कितने समय तक इलाज कराया अपने डैडी का? फ्रेंड्स मेरे को 7 टीके लगवाने पड़े उनके, 6 से 7 टीके। ओके उसी जगह पर? हाँ जी। क्या नाम बताया दोबारा? चंडीगढ़ बुंगा टब्बी। बुंगा टब्बी ओके, बुंगा टब्बी में 6-7 टीके लगवाए थे। टोटल खर्च कितना है आपका? गाइस मेरा आने जाने में थोड़ा खर्चा हुआ, मेरे पास गाड़ी अपनी पर्सनल थी तो 1000-1200 रुपए तेल मुश्किल लगता था, वहाँ 2-600 रुपए खर्चा हो रहा, मतलब लगा लो 2000 रुपए मेरा काम हो गया था वहाँ। तो अगर जिसको कोई बंदा जाना चाहे तो एक चक्कर में जाए 2000 रुपए लगे हमारे बस। अगर कोई जाना चाहे जैसे तो किस तरह से सर्च करेगा, किस तरह से फाइंड आउट करेगा जगह? गूगल मैप जो आपने आपको पता होगा एप्लीकेशन है ठीक है, उस सबके मोबाइल में होती है, उसमें आप सर्च मारना बुंगा टब्बी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है गाइस, तो उसमें आप जाके चेक कर लेना, और अगर आपको फिर भी कोई सलूशन नहीं होता तो मेरा फेसबुक का लिंक पड़ा हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तो आपको मतलब क्या लगा, मतलब जैसे आपके फादर ठीक हुए तो आपको मतलब इस तरह से लगा के हाँ और लोगों को भी अवेयर कराया जाए? डैडी जब ठीक हुए ना, मैंने पहले भी इनका सिटी स्कैन कराया, दोबारा सिटी स्कैन कराया हाल फिलहाल में, तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, डॉक्टर ने बिल्कुल कहा कि डॉक्टर खुद हैरान लगे कि आपने कैसे करवाया। कितने समय हो गया मतलब आपके फादर को ठीक हुए? 2 ईयर्स हो गए। एक्चुअली मेरा ये फ्रेंड है पबजी के थ्रू मुझे मिला था, और हम लोगों का ऐसे आना जाना हुआ, ऋषिकेश का रहने वाला है भाई, तो बातों में ऐसी बातें चल रही थी, उस पर इसने बोला बोले भैया यार आपके चैनल पर व्यूज़ वगैरह हैं, मैं कुछ इस तरह का मेरे फादर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो अगर आप शेयर करना चाहो लोगों के साथ ये तो आप शेयर कर सकते हो। मैं यार इससे अच्छा क्या होगा, लोगों को कितने पैसे खर्चते हैं, लोग पैरालाइज हो जाते हैं, फालिस आ जाता है, या कई बार ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है माइंड तक, तो लोग जो है मतलब कुछ गलत देखते हैं, कुछ को दिखाई नहीं देता है, आंखों में भी उस वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, भूलने की बीमारियां लग जाती हैं उससे, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए माइंड से रिलेटेड है, पूरी बॉडी का कहीं का भी हो गाइस, वो सिर्फ इंजेक्शन है ना आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर देंगे। तो भाई अगर आपके आसपास कोई भी बंदा है ऐसा आपके आसपास, या जैसे आपके रिलेशन में है, या आपके कहीं दूर दराज कोई फ्रेंड हो, आप उनके साथ अगर ये चीज़ शेयर करोगे ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और लोग चाहते हैं बोले कि यार इस तरह के पैसे हमारे ज़्यादा खर्च ना हो, जो मालदार लोग हैं वो तो करा लेते हैं ट्रीटमेंट, और उसके बाद भी सक्सीड की कोई गारंटी नहीं होती उनकी भी, कई बार पूरी बॉडी बेकार हो जाती है, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो टेस्ट भी नहीं करवाते, एक इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा है, और अगर वो बंदे उस बंदे के पास पैसे नहीं है, तो 1000-2000-5000 इस तरह के छोटे मोटे अमाउंट हम लोग भी अपनी साइड से प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि मैं अनबॉक्स लाइव से, आपको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर पड़ा रहता है, उसमें अगर आप ये डालते हो बोले कि हाँ इससे रिगार्डिंग अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, किसी की लाइफ सुधर जाए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, और आप लोग हमें सपोर्ट करते ही हो, पेटीएम व्हाट्सएप पेटीएम वगैरह भी आप लोग करते रहते हो, तो सपोर्ट मिलता है तो हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोगों को हम हेल्प करें, वो खाली हमारी यूज़ में ना आए। हाँ गाइस मैं सोचा था ये वीडियो अपने चैनल में डालूँ, मेरा चैनल है ASMR निंजा गेमिंग के नाम से ठीक है, मैं पहले सोचा था उस चैनल में वीडियो डालूँ, पर मेरा मेन मोटिव है कि हमारी तरफ से अगर 2 बंदे की जान बचे तो हमें खुशी होगी, हमने किसी की जान बचाने में हेल्प की है ठीक है, हमने सिर्फ हेल्प की है, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को ना फेक मत समझना, रियल वीडियो है गाइस, बिल्कुल ही मतलब ही नहीं, मेरे चैनल पर आज तक एक वीडियो भी हमने फेक नहीं डाली है, एक भी वीडियो, ना ही थंबनेल हमने कभी फेक डाला है, ना ही वीडियो के अंदर की इन्फॉर्मेशन फेक डाली है, मैजिक रिलेटेड वीडियो भी होंगी तो उसमें भी हमने मैजिक की ओरिजिनल ही थंबनेल लगाया है, इधर उधर से नहीं कि हाँ गर्दन काटी धड़ कर अंदर जाकर देखा कुछ है ही नहीं, आज तक हमने कभी फेक चीज़ों का सहारा नहीं लिया है, और उसकी वजह से चाहे हमें सब्सक्राइबर्स कम मिल रहे हैं पर व्यूवर्स हमारे जेन्युइन हैं, और तो हमारे पास इस तरह का कुछ नहीं होता है, फेक तो कुछ भी नहीं है, तो आप बस ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, लाइक से रिकमेंडेशन आई होती है, कमेंट कर अपने सजेशन देना, किसी की प्रॉब्लम है इस वीडियो को भाई रेगुलर मॉनिटर करेगा, जो उसके कमेंट्स हैं उसको भाई रेगुलर मॉनिटर करेगा, और निंजा गेमिंग के नाम से निंजा गेमिंग के नाम से आपके पास में रिप्लाईज आएंगे तो आप उस पर सारी सपोर्ट भाई देंगे। मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, और ASMR निंजा गेमिंग का नाम का चैनल है, तो उसमें आप मुझे उसमें चैनल का लिंक भी है ठीक है, और इस नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा,
और फेसबुक का लिंक भी दे देंगे गाइस, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। और बाकायदा आपको गूगल का अगर आपको नहीं मिल रहा ना मैं लोकेशन, तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा गूगल का, जहां का लोकेशन है उसकी लोकेशन का लिंक भेज दूंगा। ऐसी चीजों में भाई जितना हो सके ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा करो लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, तो कम से कम खुशियां देने का तो अधिकार हमारा है। और इस बात से बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, बोले कि भाई ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, अरे गलत इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करा ही नहीं सकता ये बंदा, क्योंकि इसके साथ खुद इसके फादर के साथ ये इंजरी हुई है और आज वो सही तरह से चल फिर रहे हैं। तो जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है, तो हम फेक एग्जांपल्स भी आपके सामने सेट नहीं कर रहे। गाइस रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और शेयर करो यार इस वीडियो को ना, शेयर करो, लाइक करो और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी डालो। मेरी इस वीडियो को उठाकर आप फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी अपने किसी भी चैनल पर डाल देना, मैं कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा स्पेशली इस वीडियो पर। क्यों? क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है। मैं नहीं चाहता खाली मेरे चैनल के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आपका चैनल है वीडियो उठाओ अपने चैनल पर डाल दो, बस एक छोटा सा ये डाल दे रहा बोले कि हाँ अनबॉक्स लाइव का है, बाकी मुझे इस बात की टेंशन नहीं, इस वीडियो पर मैं किसी पर भी कॉपीराइट नहीं लगाने वाला। तो उठाओ अपने चैनल पर भी डाल दो, फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप जहाँ मर्जी पैक दो, बस लोगों को ये जानकारी मिल जाए। जगह का नाम दोबारा बताओ एक बार। बुंगा टब्बी नाम का, ठीक है, बुंगा टब्बी नाम का गाँव है गाइस, ठीक है। वहाँ पे आप अगर जैसे अगर आप एक दिन में अपडेट हो जाता है आना जाना, पर अगर आप आना जाना नहीं कर पाते, वहाँ पे रहने का उनका मंदिर है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे आसपास मतलब गांव वालों ने छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, बड़ा सस्ता खाना है, 30 रुपये प्लेट में आपका पेट फुल हो जाएगा ऐसा खाना है गाइस, और बिल्कुल फ्रेश खाना मिलता है, ठीक है। आप जाओ बिना कोई टेंशन के, ठीक है, और रहने का भी इंतजाम है, सब कुछ है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को अभी हम थोड़ी देर में बंद कर रहे हैं, मतलब अभी बंद कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो और अपने हर जगह जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो पोस्ट करो, और आपका प्यार देने का धन्यवाद। वीडियो लाइक करना, कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम है किसी की तो जरूर बताना, और सपोर्ट कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो गाइस प्लीज बिल्कुल मनी की भी जरूरत होगी तब भी हम सपोर्ट कर देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम मुझे मैसेज कर देना, कोई बात पूछनी हो, ठीक है, पर्सनली कुछ पूछना हो तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं, मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, ताकि मैं अपने और अपडेट देता रहूं, कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता रहूं। ओके गाइस।